नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा ने जहां एक और कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी तो कई लोगों के आशियानों को तबाह करने के साथ कई सड़कों पर आवागमन ठप कर दिया है। ऐसे में मौसम के साफ होते ही प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी के साथ रूट खोलने के काम में जुटा रहा, जिसके चलते अब कैची भवाली खैरना सड़क मार्ग को छोटे वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है। में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से अब लोगों को राहत मिल रही है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने बारिश समाप्त और मौसम साफ होने के बाद कैची से भवाली जाने वाले मार्ग को खोल दिया है। हालांकि अभी यहां पर केवल छोटे वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। दरअसल पिछले दिनों आए भीषण प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ भारी जानमाल को नुकसान पहुंचाया बल्कि एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कों को भी तबाह कर दिया। ऐसे में पहाड़ों में आवागमन ठप रहा और खाने पीने का भी संकट गहरा गया। लेकिन बरसात के रुकते ही सरकारी मशीनरी की तेजी और मॉनिटरिंग के चलते तेजी से सात बंद पहाड़ी रास्ते खोले जा रहे हैं। इसी के चलते जिला अधिकारी धीराज सिंह ने अब तक बंद पड़े एक और रूट की जानकारी दी है। आपको बता दें कि भूस्खलन होने की वजह से कैची से भवाली जाने वाले मार्ग पर 150 वाहनों के साथ लगभग 500 पर्यटक और यात्री फंसे हुए थे, जिनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल 19 अक्टूबर से बंद पड़े कैची भवाली खैरना सड़क मार्ग को छोटे वाहनों के यातायात के लिए शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जिले के कुछ अन्य बंद पड़े मार्गों को भी खोलने का तेजी से काम किया जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।